भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे T20 मैच में आया शुभमन गिल का तूफान। T20 मैच में जड़ा तूफानी शतक। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज खेला गया। टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ईशान किशन के रूप में दूसरे ही ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। इसके बाद राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल ने मिलकर टीम इंडिया को पावर प्ले में तेज शुरुआत दिलाई। राहुल त्रिपाठी ने केवल 22 गेंदों पर 44 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के भी लगाए। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल ने नाबाद रहते हुए शानदार शतक ठोक दिया। शुभमन गिल ने केवल 63 गेंदों पर 126 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 छक्के भी लगाए। इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव ने 24 रन तो वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने 30 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल की शतकीय पारी के चलते टीम इंडिया ने 235 रनों का विशाल लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रख दिया।